हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अजहर लखानी है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एंड मैं कराड़ी एरिया पुणे यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एक काफ़ी कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसको हम कॉमनली फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। ये कंडीशन है जो नॉर्मली एल्डरली पॉपुलेशन में दिखती है, स्पेशली जो डायबिटिक पॉपुलेशन है उसमें ये ज़्यादा कॉमन है। जो पेशेंट्स हैं दे विल कंप्लेन के उनके शोल्डर में काफ़ी पेन है, वो अपना शोल्डर फिर रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। देर इज़ लॉट ऑफ स्टिफनेस इन द शोल्डर एंड स्पेशली अपनी एक्टिविटीज़ काफ़ी प्रॉब्लम होता है उनको अपनी एक्टिविटीज़ करने में, जैसे ओवर हेड एक्टिविटीज़ जिसमें जैसे अपने बाल कॉम करना या फिर ईटिंग या फिर कुछ चीज़ उठा के उनको ऊपर रखना है, ये एक्टिविटीज़ उनको करने में दिक्कत होती है एंड शोल्डर मूवमेंट्स हैं काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट, फ्रोजन शोल्डर मतलब इट इज़ मस्कुलर प्रॉब्लम, ये मांसपेशी का प्रॉब्लम है जिसमें आपका जो मसल्स अराउंड द शोल्डर है वो सिकुड़ जाते हैं। सो द मसल्स दे बिकम लेस प्लायबल। सो अगर हम शोल्डर मूवमेंट्स देखें, वेन आई डू दिस मूवमेंट, जो मेरे सामने के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। अगर मैं ऐसा मूवमेंट करता हूँ तो मेरा बैक मसल्स, शोल्डर के पीछे के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। सो फ्रोजन शोल्डर ऐसी कंडीशन है जिसमें जो मसल है वो प्लायबल नहीं रहते। सो मैं ऐसा मूवमेंट करने जाता हूँ तो द मसल्स डोंट अलाउ, ये मूवमेंट मसल्स डोंट अलाउ। सो स्पेशली मूवमेंट्स लाइक ओवर हेड एक्टिविटीज़ या अगर हाथ पीछे ले जाना, लाइक स्पेशली फीमेल्स दे आर नॉट एबल टू वेयर देयर क्लोज या फिर दे आर नॉट एबल टू कॉम देयर हेयर। सो ये कंडीशन है जिसे हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन एंड दिस इसमें सिम्टम्स ये काफ़ी महीनों तक रह सकते हैं। अगर ऐसा पेशेंट को ये सब कंप्लेंट्स है तो आई एडवाइज़ देम टू सी देयर ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर डायग्नोसिस। आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन पहले शायद एक एक्सरे एडवाइस करें। एक्सरे इसलिए किया जाता है सो दैट जो बाकी कंडीशन है जो मिमिक कर सकती है फ्रोजन शोल्डर को, उसको हम रूल आउट कर सकें। जैसे शोल्डर अर्थराइटिस अगर है सो वो कंडीशन भी जो सिम्टम्स है इस तरीके के ही रहेंगे। सो टू रूल आउट अदर कंडीशंस शायद आपको एक्सरे एडवाइस करें। इन फ्रोजन शोल्डर एक्सरे इज़ नॉर्मल, सो इट इज़ बिकॉज इट्स अ प्योरली मस्कुलर कंडीशन, आपका एक्सरे नॉर्मल रहेगा ये कंडीशन में। सो फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट ये बहुत सिंपल है बट इट ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो इफ अगर आपका कंडीशन फ्रोजन शोल्डर इस तरीके से डायग्नोस होता है सो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर शायद आपको इनिशियली कुछ मेडिकेशंस देगा। दिस मेडिकेशंस आर मेनली टू कंट्रोल द पेन, साथ ही साथ आपको कुछ मल्टीविटामिन्स भी एडवाइस किया जा सकता है। बट द मेन ट्रीटमेंट फॉर फ्रोजन शोल्डर इज़ फिजियोथेरेपी। सो फिजियोथेरेपी जो हम लोग जैसे बताया आपको कि जो मसल्स है उसका लेंथ कम हो जाता है, जो कैप्सूल है जो शोल्डर जॉइंट का जो कवरिंग है उसका लेंथ कम हो जाता है। सो बाय फिजियोथेरेपी द एम इज़ कि उसको ग्रेजुअली हम स्ट्रेच करते हैं, जो प्रीवियस जैसा उसका लेंथ था वी द एम इज़ टू अचीव दैट लेंथ सो दैट शोल्डर मूवमेंट्स फिर से फ्री हो जाए। हाउएवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता रहना चाहिए, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देने के बाद में भी दिस कंडीशन रिस्पॉन्स वेरी स्लोली टू ट्रीटमेंट। आपको कई हफ्तों से कई महीनों तक लग सकते हैं टू रीगेन योर शोल्डर मूवमेंट्स, जो पहले आपका शोल्डर एक्टिविटी था वो वापस लाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। अदर देन फिजियोथेरेपी वेरी रेयरली कुछ अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है जो लग सकती है। वन वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन इज़ एक लोकल इंजेक्शन दिया जा सकता है। सो दिस इंजेक्शन इज़ मेनली टू रिड्यूस द पेन एंड एक बार पेन कम हो जाता है तो देन फिजियोथेरेपी ज़्यादा ईजी हो जाती है एंड द रिकवरी ऑल्सो बिकम्स फास्ट, बट इट इज़ नॉट यूजली डन इन ऑल द पेशेंट्स। दूसरा एक ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है विच इज़ कॉल्ड एज मैनिपुलेशन। दिस कंडीशन ये जो मैनिपुलेशन है ये हम लोग तभी करते हैं जब बहुत टाइम फिजियोथेरेपी करने के बाद में भी अगर रिकवरी कंप्लीट नहीं हो रही है। सो मैनिपुलेशन में अंडर एनेस्थीजिया हम लोग शोल्डर जॉइंट को मैनिपुलेट करते हैं सो दैट बाई स्ट्रेचिंग अंडर एनेस्थीजिया जो पेन होता है वो नहीं रहेगा एंड द रिकवरी फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर इज़ फास्टर। और रिसेंटली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो की होल सर्जरी रहती है उससे जो अंदर जो एडिशंस हो जाते हैं जॉइंट में उसको भी रिलीज़ किया जा सकता है। बट द सर्जिकल ऑप्शंस इन फ्रोजन शोल्डर आर वेरी रेयरली रिक्वायर्ड, ये काफ़ी बहुत रेयर है जब ऐसी कंडीशंस लगती है। बट 90 to 95% टाइम्स ये कंडीशन जस्ट विद फिजियोथेरेपी रिकवर हो जाती है। सो दिस इज़ अबाउट फ्रोजन शोल्डर। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट अदर प्रॉब्लम्स यू कैन फॉलो मी। माई नेम इज़ डॉक्टर अजहर लखानी एंड यू कैन फाइंड मी ऑन लाइब्रेट। थैंक यू।